Hi guys, wish you a very very good morning. This is me Aish Joshi and you are watching me on the channel of Achieve IAS. So जैसा कि आप सभी जानते हैं हम डेली बेसिस पे द हिंदू का एडिटोरियल एनालिसिस लेते हैं, है ना। हम डेली बेसिस पर कोशिश करते हैं कि एडिटोरियल सेक्शन को पूरी तरीके से कवर कर लें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये। आपके मेंस पर्सपेक्टिव, अगर मैं मेंस का पेपर देखती हूँ तो मेंस पेपर के अंदर आंसर राइटिंग के लिए बहुत हेल्पफुल एनालिसिस होता है। ओके और कई बार हम ये कह सकते हैं हमारे थॉट प्रोसेस को भी जनरेट करने के लिए या उसे रीबूट करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है ये, ठीक है। दैट्स वाई वी आर ओनली टेकिंग दी एडिटोरियल एनालिसिस टूडे, ठीक है। अब हम बात करेंगे सबसे पहला डेंजरस ड्रिफ्ट क्या है ये। तो आपको पता होगा, काफ़ी न्यूज़ में है पिछले 2 दिनों से कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमारे जो कह सकते हैं मेजर है और भी जो ऑफिशियल्स हैं, जो कमांडोज हैं, उनको उनका इनकाउंटर कर दिया गया, उन्हें मार दिया गया है और वो भी आतंकवादी गतिविधियों के तहत, ठीक है। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी जो कह सकते हैं एक झटका है हमारे लिए, हमारे 4 सोल्जर्स का और एक पुलिस ऑफिसर्स का इस तरीके से टेररिस्ट द्वारा इनकाउंटर होना, जो कि जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा टाउन के अंदर हुआ है, ठीक है। और कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के, कह सकते हैं हंदवाड़ा टाउन के अंदर हुआ है। तो इससे हमें एक तरीके का अटेंशन की, मतलब हम कह सकते हैं कि एक अटेंशन हो जाने की ज़रूरत हमें फील हुई है, क्योंकि ये कुछ बहुत अच्छा आने वाले जो टाइम है, आने वाले दिन है, समर्स जो हैं उसके अंदर हमें अटेंशन होकर रहने या अटेंशनली बिहेव करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड स्टेप था। एज़ वी आर सफरिंग विद COVID-19, बहुत सारी चीज़ें हम ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस एंड ऑल, और उस बीच में इस तरह की गतिविधि होना हालांकि एक्सपेक्टेड था, क्योंकि सभी जानते हैं कि टेररिस्ट डोंट वांट टू वेट फॉर एनीथिंग। इवन टेररिस्ट आर वेटिंग फॉर दी पर्टिकुलर टाइम व्हेन ऑल आर गोइंग टू एंगेज इन सम अदर वर्क, वी आर गोइंग टू अटैक एट दैट टाइम। सो इस तरह की मेंटालिटी जो है ऑलरेडी टेररिस्ट के माइंड में होती है कि जिस समय सबका ध्यान कहीं और होगा तब हमारी गतिविधियां शुरू होगी। तो वही चीज़ हमें अभी रिसेंटली जम्मू कश्मीर में देखने को मिली है। ये एक बहुत ही असाधारण घटना कह सकते हैं, और कपल ऑफ टेररिस्ट, मतलब हम कह सकते हैं कि जस्ट 2 टेररिस्ट ने मिलकर 5 हाईली स्किल्ड और मोटिवेटेड सोल्जर्स को, जिसके अंदर एक पुलिस जो एक ऑफिसर है, कमांडर है, कमांडिंग ऑफिसर ऑफ अ बटालियन इन द रैंक ऑफ कर्नल, कर्नल रैंक का जो पर्सन है, मेजर रैंक के पर्सन है, इसके अलावा 2 अदर रैंक्स के लोग हैं, उसके अलावा एक बहुत ही स्किल्ड और ऑपरेशंस स्पेशलिस्ट जो है, पुलिसमैन है, जो कि सब इंस्पेक्टर रैंक पे है, इन सब का मारा जाना हमारे लिए एक बहुत ही आश्चर्यजनक घटना है, और वो भी सिर्फ 2 टेररिस्ट द्वारा, है ना। तो बड़ा बहुत शॉकिंग न्यूज़ है। इवन व्हेन आई हर्ड तो मुझे लगा हाउ इज़ इट पॉसिबल। तो द डिटेल्स ऑन ऑफर आर स्केची येट प्रोवाइड कंपेलिंग एविडेंस ऑफ एन ऑपरेशन दैट वेंट हॉरिबली रॉन्ग। बिल्कुल बहुत ही, मतलब हम कह सकते हैं हॉरिबली, बिल्कुल गलत घटना थी, जिस जो घटना घटित हुई वो बिल्कुल, मतलब नहीं होनी चाहिए थी, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे हम लोग, बट हुई, है ना। सैटरडे को आफ्टरनून रिसीविंग इंटेलिजेंस दैट टेररिस्ट वर प्रेजेंट इन द हाउस ऑफ, अब हमने जब ये पूरा जो इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ने, डिपार्टमेंट ने पूरा जब छानबीन की, तो हमें पता चलता है कि जो टेररिस्ट है वो चंगीमुल्ला विलेज के एक घर में प्रेजेंट थे। कर्नल आशुतोष शर्मा, जो कि 21 राष्ट्रीय राइफल्स के मेंबर हैं, मतलब 21 राष्ट्रीय राइफल हैं जो आशुतोष शर्मा, और मेजर अनुज सूद, नायक राजेश कुमार, लेंस नायक दिनेश सिंह एंड जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर शकील काजी आर एंड पॉसिबली अदर रीच द साइट। और वहीं पे उस क्षेत्र में ये जो हमारे ऑफिसर्स थे वो पहुँचे,
एंड एन इंटेंस फायर फाइट कमेंस, और अचानक से एक बहुत भयावह रूप से जो है गोलीबारी शुरुआत हो जाती है। घटना वहाँ पे बिल्कुल जो है एक दूसरे पे गोलीबारी की शुरुआत हो जाती है अचानक से। ऑल द एनिमी फायर केम फ्रॉम द काउ शीट, जितने भी गोलियाँ चलाई गई वो सब एक काउ शीट, हम कह सकते हैं गाय के उस अस्तबल के अंदर से ये घटना घटित हुई, वहाँ से उन्होंने गोलियाँ चलाई। ठीक है, सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि किसी बिल्डिंग से, किसी खुफिया जगह से गोली नहीं चलाई गई, गोलियां चलाई गई एक ऐसी जगह से जहां पे गाय को बांधा जाता है, या हम कह सकते हैं बिल्कुल जो ओपन एरिया होता है जहां से आइडिया होता है ना वहाँ पे आने जाने वाले लोगों का। तो बहुत आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। फिर दे एंटर्ड द हाउस एंड देयर वॉज अ फ्रेश फायर फाइट बट नो कम्युनिकेशन फ्रॉम द कर्नल एंड हिज टीम। फिर घर में एंटर किया उन्होंने और वहाँ से एक बहुत फ्रेश जो है वहाँ पर भी फायर फाइट हुई, लेकिन कम्युनिकेशन नहीं हुआ कोई भी कर्नल और उनकी टीम के बीच में। देन इट वाज नोटिस दैट देयर कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंट वाज बीइंग यूज्ड बाय द टेररिस्ट। सबसे बड़ी घटना क्या घटित हो रही है यहाँ पे कि अचानक से उन पे हमला होता है, और उसके बाद में जो बिल्डिंग के अंदर ऑफिस में घुसकर और जब कर्नल के ऊपर हमला होता है तो ये पता चलता है कि कर्नल और अदर जो टीम मेंबर्स हैं उनके बीच में कोई कम्युनिकेशन क्यों नहीं हो रहा है, उनके जो बातचीत क्यों नहीं हो पा रही है आपस में एक दूसरे से। तो ये बात सामने आती है कि उनके जो कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंट है जिससे वॉकी टॉकी से और कम्युनिकेट करते हैं वो टेररिस्ट द्वारा यूज़ किए जा रहे हैं, है ना। दैट इज़ वेन रियलाइज केम ऑल नॉट वॉज नॉट वेल एंड फायरिंग एंश्यूड ऑल ओवर अगेन। दिस टाइम वेन इट वॉज ओवर देयर वॉज 7 बॉडीज। तब ये रियलाइज हुआ कि सब कुछ ठीक नहीं है, है ना। जिस समय जो कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है वॉकी टॉकी टेररिस्ट द्वारा यूज़ किए जा रहे हैं, कुछ जब कम्युनिकेशन नहीं हुआ तो अदर मेंबर्स को, अदर जो टीम मेंबर्स थे उन्हें लगा कुछ गलत घटित हो रहा है, और थोड़ी ही देर बाद पता चलता है कि वहाँ पे 7 जो है बॉडीज, डेड बॉडीज पड़ी हैं। द वे दिस ऑपरेशन एंडेड विल हैव रेमिफिकेशन ऑन बोथ मॉरल एंड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स ऑन फ्यूचर ऑपरेशन ऑफ दिस काइंड दैट गो ऑन दी ऑल दी टाइम इन दिस शेडोई थिएटर ऑफ प्रॉक्सी वॉर। ये जो घटना घटित हुई है ये कहीं ना कहीं एक प्रश्नवाचक चिन्ह उत्पन्न करती है हमारी तैयारी पर, हमारे ऑपरेशंस पर, आने वाले समय में हमारी ऐसी आतंकवादियों से जो हम कह सकते हैं निपटने की प्रक्रियाओं पर, हमारी स्ट्रेटजीज पर, जो एक साथ बहुत हाईली स्किल्ड जो है हमारे ऑफिसर्स उनके द्वारा भी नहीं कंट्रोल किया गया, तो ये एक बहुत ही क्वेश्चन मार्क जो है क्रिएट करता है। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने प्रयास नहीं किया होगा, बहुत प्रयास किए होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ज़रूरत है स्ट्रैटेजीज़ को चेंज करने की, या हमारी जो हम कह सकते हैं जो सोल्जर्स की या जो कमांडोज हैं या हमारी जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस को और स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत महसूस होती है ना। सो इट इज़ सर्टेनली अ कोइंसिडेंस दैट हैज़ गोन नॉट गोन अननोटिस्ड दैट थ्रू द एनकाउंटर एंडेड ट्रेजिकली। न्यूज़ और डिटेल्स ऑफ इट डिड नॉट प्रिकॉलेट टिल वेल आफ्टर संडेज फ्लाई पास्ट एंड शो ऑफ सॉलिडेटरी। ये जो न्यूज़ है काफ़ी स्प्रेड हुई, ये एक कोइंसिडेंस नहीं है जिसे आप मतलब बिल्कुल नोटिस ना करो या इग्नोर कर दो, ऐसा ये कोई इंसिडेंस नहीं है। ये बहुत बड़ी घटना है जिसका घटित होना हमारे लिए एक बहुत दुखद घटना हम कह सकते हैं, या हमारे लिए बहुत आश्चर्यजनक बात है ना। आफ्टरनून में, संडे आफ्टरनून को इनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई और फ्लाई पास्ट के द्वारा। इट शुड बी एविडेंट बाय नाउ टू मोस्ट दैट चेंजिंग द नॉमन क्लेचर एंड स्टेटस ऑफ जम्मू कश्मीर हैज़ नॉट एड्रेस्ड एनी ऑफ द अंडरलाइंग केसेस ऑफ अनरेस्ट एंड एंगस्ट। क्या इस सारी घटना से क्या पता चलता है हमें कि हम लोग जम्मू कश्मीर अभी भी बदला नहीं है, चाहे दुनिया में कोई भी घटना घटित हो रही है लेकिन जम्मू कश्मीर का जो स्टेटस है वो अभी भी चेंज नहीं हुआ है, और उसे हमें करने की ज़रूरत है।
चाहे दूसरी जो जगहों पर, चाहे कोई भी, जैसे कि पेंडेमिक से हम गुजर रहे हैं COVID-19 से, तो दूसरी चाहे कोई भी जगह पर किसी भी तरह की घटना घटित हो रही है, हमें ज़रूरत है कि हम जम्मू कश्मीर के स्टेटस को चेंज करने के लिए उसके ऊपर कार्य करें। नीदर हैज़ इट डिटर्ड पाकिस्तान फ्रॉम इट्स स्टेडफास्ट गोल सिंस द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इन 127 डेज एज मैनी एज 55 टेररिस्ट हैव बीन किल्ड इन द रीजन। और ये कोई हम कह सकते हैं पाकिस्तान की जो घटना भी नहीं कह सकते हम, क्योंकि देखिए शुरुआती इन इस साल के शुरुआती दौर में 127 दिन के अंदर करीब 55 आतंकियों को हम ढेर कर चुके हैं, है ना, इसी एरिया के अंदर। और इवन रफली वन एनकाउंटर एवरी 2 डेज, और हर 2 दिन में एक एनकाउंटर देखने को मिलता है इन अनहेल्दी वैक्यूम दैट न्यू दिल्ली हैज़ क्रिएटेड सिंस अगस्त 5 लास्ट ईयर। पिछले साल 5 अगस्त को दिल्ली में जैसा एक अनहेल्दी सा वैक्यूम क्रिएट हुआ। सच एनकाउंटर्स हैव डन नथिंग अदर दैन एट द इम्पल्स ऑफ द डिसएफेक्टेड टू एम्ब्रेस आर्म्स। एज द डेंजरस रिफ्ट इन जम्मू कश्मीर कंटिन्यूज, न्यू दिल्ली मस्ट रियलाइज इट हैज़ रीच द पॉइंट ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स एंड शुड लुक फॉर अ वेज टू अरेस्ट दिस ट्रेंड्स। देखिए ये ज़रूरत है हमारी, केंद्र सरकार की ज़रूरत है, ये जो है न्यू दिल्ली की ज़रूरत है कि हमें इन सारे मुद्दों पर कार्य करना होगा, क्योंकि ये घटना बहुत छोटी नहीं है, ये घटना बहुत बड़ी है। इस तरीके से 5 ऑफिसर्स की जो है जान चली जाना, वो भी इस तरीके से टेररिस्ट के द्वारा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है और हमारी ज़रूरत है कि हम उस क्षेत्र में कार्य करें। देखिए लॉकडाउन को जो है बढ़ाया गया है, 17 तक कर दिया गया है, सब कुछ चल रहा है कंटिन्यू। काफ़ी सारे इकोनॉमिक जो हम कह सकते हैं आस्पेक्ट, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को शुरू कर दिया गया है और इनको करने की ज़रूरत महसूस की गई है, बिकॉज आर इकोनॉमी इज़ गोइंग लोअर, है ना, अपने लोवेस्ट पॉइंट पे चलती चली जा रही है, और उसको वापस मेंटेन करने के लिए, वापस अपने लेवल पे लाने के लिए इट इज़ नीडेड कि हम इस पर कार्य करें। इसीलिए हमने कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी शुरू कर दी। तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटित होती है जीवन में जो कि अनयूजुअल होती है, लेकिन इस तरह की घटना जो कि जम्मू कश्मीर में हुई घटित, ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी, बिकॉज कपल ऑफ टेररिस्ट द्वारा इतनी बड़ी मात्रा में, मतलब हम कह सकते हैं बड़े एक्सपीरियंस के साथ में जो 5 ऑफिसर जो है स्किल्ड ऑफिसर्स, उनका कार्य करना और फिर उनकी उनके ऊपर हमला होना और उनकी जान चली जाना, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी घटना है। हालांकि हमने पिछले इस साल की शुरुआत से लेकर अब तक में करीब काफ़ी आतंकियों को ढेर किया है हमारे ऑफिसर्स ने, लेकिन हमारे ऑफिसर्स की जान जाना और अपने आप में ये बहुत बड़ा नुकसान है जो हमें झेलना पड़ रहा है। लेकिन ये भी फैक्ट है कि जिस तरह की कंडीशंस हमने वहाँ देखी, जिस तरह की सिचुएशन अभी हमने सुनी कि किस तरीके से ये घटना घटित हुई, ये हमारी ज़रूरत है कि हम अपनी स्ट्रैटेजीज पर वर्क करें। ये हमारी ज़रूरत है सिक्योरिटी फोर्सेस की कि वो और भी स्किल्ड और पॉलिश्ड वर्कर्स के रूप में कार्यरत हों और इस तरीके से कार्य करें कि ऐसी कभी घटना घटित ना हो, क्योंकि ये चीज़ हमें भी पता है कि जम्मू कश्मीर का जो अभी रिसेंट जो हमने विलय किया है, हम कह सकते हैं हमने उसका जो 3 आर्टिकल जो 370 है, 35A, उसे अबॉलिश किया है, तो इस तरह की जो घटनाएं घटित हुई है उससे लेकर टेररिस्ट के अंदर कुछ आक्रोश तो देखने को मिल ही रहा है, लेकिन उस आक्रोश को ओवरकम करने के लिए हम में इतना पोटेंशियल होना ज़रूरी है जो कि सिर्फ और सिर्फ मुमकिन है सिक्योरिटी फोर्सेज में सिक्योर, और तभी सिक्योरिटी फोर्सेज स्किल्ड हो पाएगी जब सरकार या कि हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज के डिपार्टमेंट्स हैं वो पूरी तरीके से उन्हें सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में, द मार्क ऑफ ज़ीरो। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है और बहुत इंस्पायरिंग आर्टिकल है आज का हमारा। केरला का पता होगा आपको, इट इज़ कंटिन्यूसली फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ डे जब एक भी केस दर्ज नहीं हुआ कोरोना वायरस का। ये अपने आप में रिपीट होने वाला 4th दिन की घटना बता रही हूँ मैं आपको, जिसके अंदर 1st में, 2nd में, 3rd में, 5th में एक भी जो है घटना घटित नहीं हुई है कि एक भी कोरोना वायरस से पीड़ित पर्सन सामने नहीं आया है। विथ कंटेनमेंट स्ट्रेटजीज इन प्लेस इवन बिफोर दी
फर्स्ट केस ऑफ नोवेल कोरोना वायरस वॉज डिटेक्टेड ऑन 30 जनवरी. पहला केस जो है इंडिया में कोरोना वायरस का 30 जनवरी को केरला में ही सामने आया था. लेकिन केरला सरकार द्वारा इस तरीके से कार्य करना कि अब इस तरीके से उस कर्व को जो बढ़ती बढ़ती चली जा रही थी संख्या, उसको कर्व को फ्लैटन करने के लिए इस तरीके से हैमराइज करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है ना. तो फाइनली ठोक पीट के कैसे भी केरला ने अपने आप को या अपने उस कर्व को फ्लैट कर दिया है. एंड फाइनली दिस इज़ द फर्स्ट डे ऑन 1 मई जब एक भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ. 0 न्यू केस वॉज रिपोर्टेड इन केरला. और वही चीज़ 3rd और 4th मई को कॉन्सिक्वेंट डेज को कंटिन्यूज जो है इन दोनों दिन 3rd मई और 4th मई को एक भी केस सामने नहीं आया. तो 0 फ्रेश केसेस ऑन 3 डेज इन मे अपीयर्स टू बी मोर देन अ ब्लिप. इफ़ इन अप्रैल देयर वर अर्ली साइंस ऑफ केरला गेनिंग एन अपर हैंड ओवर द वायरस, इट्स कंट्रोल बिकम क्लियर फ्रॉम द 4th वीक ऑफ अप्रैल. अब ये कंटिन्यू फोर्थ अगर हम बात करें, कंटिन्यू देखिए बढ़ता चला जा रहा था वायरस का असर केरला में हमें देखने को मिल रहा था. अप्रैल तक तो काफ़ी कुछ देखने को मिला 1 अप्रैल तक. लेकिन 1 अप्रैल से लगा के 4 अप्रैल तक जो है कंट्रोल करने की जो स्ट्रैटेजी, क्लियर कट स्ट्रैटेजी जो फॉलो की है केरला ने, वो अपने आप में बहुत बड़ा एक प्रश्नवाचक चिन्ह उत्पन्न करती है कि किस तरीके से केरला ने इसको पूरी तरीके से ओवरवेलम किया है ना. Since 22nd April, except on 4 days, the number of new cases reported has remained either the same or fewer than the number of. और ultimately जाते जाते पहले 1 अप्रैल से या 1st वीक से अप्रैल के जो केसेस को इतना कंट्रोल करने की कोशिश की गई वहाँ की सरकार द्वारा कि 22 अप्रैल के बाद से हमें ये देखने को मिला कि केसेस या तो बिल्कुल कम जा रहे हैं या सामने आ ही नहीं रहे हैं, है ना. इवन वहाँ पे जितने भी केसेस रिपोर्ट किए गए थे उतने सारे केसेस, जैसे कि 499 केसेस, स्मॉल नंबर ऑफ केसेस रिपोर्टेड सो फार, आज से बहुत दिन पहले, बहुत टाइम पहले कम नंबर की जो मात्रा में केसेस रिपोर्ट किए गए थे 499 केसेस थे, डिमॉन्स्ट्रेट हाउ एक्सीलेंट इट्स कंटेनमेंट एफर्ट्स हैव बीन. ये बताता है कि किस तरीके से केरला सरकार जो है, केरल की सरकार जो है, वो अपनी स्ट्रैटेजीज पर, अपने जो गोल्स पर वर्क कर रही है. और ये बिल्कुल कमेंसेबल वर्क है. वॉट इज़ मोर रिमार्केबल इज़ दैट 462 ऑफ दोज इन्फेक्टेड है फुल्ली रिकवर्ड. सबसे बड़ी रिमार्केबल बात, सबसे बड़ा जो है एक प्रत्यक्ष उदाहरण सफलता का, वो क्या देखने को मिलता है कि 499 केसेस जो रिपोर्ट किए गए थे उसमें से 462 केसेस पूरी तरीके से रिकवर हो गए. जिसके अंदर इतना ही नहीं, जिसके अंदर 93 और 88 ईयर्स ओल्ड जो है एक कपल भी था. तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जहां पूरे देश में ये एक र्यूमर सा, या हम र्यूमर नहीं कह सकते, या एक धारणा फैली हुई है कि कोविड-19 जो है उसके कारण बूढ़े लोगों को, ओल्ड एज पीपल्स को बहुत ज़्यादा सफ़र करना हो रहा है ना. तो ये जो घटना सामने आई है केरला की, जिसके अंदर 93 ईयर्स और 88 ईयर्स ओल्ड पर्सन ने, कपल ने जो है रिकवर कर लिया है, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है. और उसके तहत हम ये कह सकते हैं कि सरकार बहुत अच्छे से कार्य कर रही है. 3 डेथ ओवरऑल जो है यहाँ पे केस की गई है, फाइल की गई है. केस फैटलिटी की जो रेट है वो 0.6% अगेंस्ट दी नेशनल एवरेज है 3.3% केस फैटलिटी का, लेकिन केरला के अंदर 0.6% है. ओके, द कंटेनमेंट सक्सेस टू बी ट्रेस्ड बिलो टू हाउ केरला डिड नॉट वेट फॉर डायरेक्शंस फ्रॉम द सेंटर बट इंस्टेड लेड फ्रॉम द फ्रंट. अब देखिए ये बहुत हम कह सकते हैं केरला जो है, अब इन्होंने सेंटर की तरफ से आने वाली कोई भी डायरेक्शंस का वेट नहीं किया, बस अपने लेवल पे अच्छी तरीके से अपने ही जो है स्टेट के अंदर काफ़ी बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने कार्य किया. और इस तरीके से कार्य किया, देखिए व्हेन द नंबर ऑफ़ केसेस इंक्रीज, जब यहाँ पे नंबर ऑफ़ केसेस 12 जो है बढ़ गए थे, 10 मार्च तक जाते थे 12 केसेस आ गए थे यहाँ पे, तब अ डे बिफोर WHO डिक्लेयर कोरोना वायरस डिक्लेयर करने के जस्ट एक दिन पहले, जिस समय WHO द्वारा ये
जो है डिक्लेयर किया गया कि भाई COVID-19 जैसा या पैंडेमिक जैसी कोई है, और उसी के तहत ये सब जो है इंस्टीट्यूशन वगैरह बंद करने की ज़रूरत है, सोशल लेवल पे स्ट्रेटजीज बनाने की ज़रूरत है, इस तरह का पैंडेमिक है एंड ऑल। जो WHO ने जो अपनी गाइडलाइंस या स्ट्रेटजीज दी थी, उससे जस्ट एक दिन पहले ही केरला ने अपने यहाँ पे सारे अनाउंसमेंट कर दिए थे। केरला गवर्नमेंट ने एजुकेशन इंस्टीट्यूट को बंद कर दिया था, एंटरटेनिंग सेंटर्स को बंद कर दिया था, उसके अलावा लार्ज गैदरिंग्स वाली जगहों को बैन कर दिया गया था। लोगों से अपील की गई थी कि वो जो है रिलीजियस प्लेसेस को भी अवॉइड करें, मतलब जो रिलीजियस प्लेसेस को विजिट कर रहे हैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट की गई और अपील की गई कि वो अवॉइड करें कुछ दिन के लिए, इफ़ इट रियलाइज द मेरिट्स ऑफ कंटेनिंग वायरस ट्रांसमिशन बाय क्विकली ट्रेसिंग ऑल द कॉन्टेक्ट्स ड्यूरिंग द 2018 निपा आउटब्रेक, इट रिपीटेड दैट टू परफेक्शन एट दिस टाइम। और ये चीज़, ये जो घटना है कोई नई नहीं है केरला के लिए, निपा वायरस जो आया था 2018 के तहत, उस समय भी इस तरह की स्ट्रेटजीज को फॉलो करके केरला ने खुद को उस वायरस से बाहर निकालने का पूरा प्रयास किया, और बिल्कुल सक्सेसफुल प्रयास था वो। तो उसी स्ट्रेटजी को हम देखें, उसी गाइडलाइन को देखते हुए केरला गवर्नमेंट ने और भी परफेक्शन के साथ में अभी एट प्रेजेंट COVID-19 को हराने में जंग जीत ली है ना। और थोड़ा इस बारे में जो आश्चर्यजनक, थोड़ा आश्चर्य की बात यह है कि सेकेंड मई को ICMR लॉडेड द स्टेट फॉर द अनपैरेलल्ड कंटेनमेंट एंड टेस्टिंग स्ट्रेटजीज एंड रेफर्ड टू इट एज द केरला मॉडल। ICMR ने यहाँ तक कह दिया कि केरला के जो स्ट्रेटजीज है, टेस्टिंग स्ट्रेटजीज और इन सब को देखते हुए केरला मॉडल पेश कर दिया कि दूसरे स्टेट्स को भी इस केरला मॉडल को फॉलो करना चाहिए। तो बट अंडर नो सर्कमस्टेंसेस कैन द स्टेट लोअर इट्स गार्ड एज द आउटब्रेक कैन रिसर्ज बाय एक्सप्लोटिंग द वीकेस्ट लिंक एज वॉज सीन इन द शार्प स्पाइक ऑफ सिंगापुर इन डॉर्मिटरीज। देखिए जो हमने यहाँ देखा है, जो केरला का मॉडल हमने यहाँ देखा है, वी कैन से ऐसा ऐसा मॉडल या ऐसी स्ट्रेटजीज हमने और कहीं नहीं देखी। आज तक बहुत सारी स्ट्रेटजीज को फॉलो किया, बहुत सारे मॉडल्स को फॉलो किया, लेकिन जो स्ट्रेटजी केरला ने अब तक बनाई है, और केरला अच्छा अपने आप में हमारा इंडिया का प्राइड है केरला, बिकॉज़ बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटित हुई है, बहुत सारे ऐसे हमें माहौल देखने को, मुद्दे देखने को मिले हैं जहाँ पे केरला ने अपने आप को प्रूव किया है ना। और अपने आप में केरला हमारे लिए एक आदर्श राज्य के रूप में सामने आया है। जो जो मॉडल या जो पॉलिसी, जो स्ट्रेटजीज केरला फॉलो करता है, उसके तहत केरला अपने आप को टॉप पे रखने में सक्सेसफुल हुआ है, और हमारे लिए ये एक बहुत, अन्य सारी राज्य सरकारों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है या बहुत ही सीखने योग्य बात है कि हमें भी उसी मुद्दे, उसी स्ट्रेटजीज को, उसी तरह के जो हम कह सकते हैं वेज को फॉलो करना होगा, जो हमें इस तरह की टॉप लेवल की एक्टिविटीज़ को जनरेट करने में हेल्प कर सके। और बिल्कुल ये कोई नेगेटिव सेंस नहीं है, ये बिल्कुल पॉजिटिव है। और इतना ही नहीं, वहाँ की हम पॉलिटिकल लीडर्स की बात लीजिए, गवर्नमेंट की ले लीजिए, सरकार को हेल्प करने के लिए, सरकार के हर स्तर पर सहायता के लिए वहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स, वहाँ के आम जनता, वहाँ के अन्य जो हेल्थ, जो हम कह सकते हैं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए जो मेडिकल वर्कर्स हैं, हर तरीके से हर डिपार्टमेंट का सहयोग करते हुए एक बहुत बड़ा, जो हम कह सकते हैं अपने आप को एक बहुत बड़ा टैग गेन करने के लिए वर्क कर रहे हैं सभी एक साथ, और बिल्कुल अपने राज्य को टॉप लेवल पे ले जाने के लिए, एजुकेशन लेवल पे ले लीजिए, चाहे आप हेल्थ स्ट्रक्चर पे ले लीजिए, चाहे आप और किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, और इसी तरीके से निपा या स्वाइन फ्लू जैसी बीमारियों से भी निपटने के लिए जो सरकार द्वारा या केरला ने अपना जो एक मॉडल पेश किया था, इवन अब पेंडेमिक COVID-19 से निपटने के लिए जो जो यूज़ कर रही है स्ट्रेटजी सरकार, जो वहाँ की लोकल केरला की गवर्नमेंट है, तो इस तरह की चीज़ें देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल प्रॉपर वे में, परफेक्ट स्ट्रेटजी के साथ में किसी राज्य को कैसे चलाया जा सकता है, उसका एक उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया है केरला सरकार ने, है
है ना, इट इज़ अ सक्सेसफुल बोर्न आउट ऑफ द डिकेड्स ओल्ड सोशल रिवोल्यूशंस एंड डेवलपमेंट. आज तक जितने भी सोशल रिवोल्यूशंस या डेवलपमेंट हुए हैं उनमें सबसे, मैं हम कह सकते हैं सक्सेसफुल या सबसे स्ट्रेटजिकल परफॉर्मेंस जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिला है. एक नई जो है जीत और जंग देखने को मिली हमें यहाँ पे. दिस इज़ ऑल्सो द रीज़न वाई अदर स्टेट्स, इवन इफ दे एम्यूलेट दी मेजर्स अडॉप्टेड बाई केरला टू फाइट द वायरस, मे नॉट बी एबल टू अचीव द सेम लेवल ऑफ सक्सेस. इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि भले ही केंद्र सरकार कितने भी मॉडल्स केरला की तरह जो है, केंद्र सरकार या राज्य, अन्य राज्य सरकारें जो मॉडल्स जो है फॉलो करने की कोशिश भी करें, केरला सरकार को फॉलो करने की भी कोशिश करें, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि हम उस सरकार के स्तर पर नहीं जा सकते जहाँ पे ज़ीरो लेवल पर केसेस चले गए, बिल्कुल ज़ीरो रेट्स केसेस की फाइल हो रही है. इस तरीके की स्ट्रेटजीज़ को हम भी फॉलो नहीं कर सकते. ठीक है, आगे नेक्स्ट जो आर्टिकल है, पाथवेज टू अ मोर रिसाइलियंट इकोनॉमी. ये आपको खुद से लेना है. क्या है ये? इकोनॉमी को वापस रिबूट करने के लिए जो एक्टिविटीज़ यूज़ में ली जा रही है, जैसे कि लेकर्स या अदर जो इंडस्ट्रियल जो वर्क है स्टार्ट कर दिया गया है. लेकर्स को लेकर तो काफ़ी देखने को मिल रही है न्यूज़ के अंदर और सब कुछ, लेकिन फिर भी ये हमारी ज़रूरत है हमारी इकोनॉमी को रिबूट करने के लिए, इकोनॉमी को रिबिल्ड करने के लिए. इट इज़ रिक्वायर्ड कि हम लेकर शॉप्स, या क्योंकि इससे काफ़ी रेवेन्यू जनरेट हो जाता है. इसके अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ शुरू कर दी गई है, तो उम्मीद करते हैं और भी कई सारे रास्ते हमारे सामने आएंगे जो कि हमारी इस इकोनॉमी को स्ट्रांग कर सकें. और इसी तरह का ये आर्टिकल जो है ये आप खुद से पढ़ेंगे, क्योंकि इस आर्टिकल में काफ़ी सारे जो है टॉपिक्स जो है फैक्ट्स बेसिस टॉपिक्स दिए हुए हैं, और इनको आप रीड करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट सम आइडिया. और बहुत इजी लैंग्वेज में है, सो इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँ. उसी तरीके से नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो भी इसी लेवल का है, आई मीन काफ़ी ईजी है. दिस इज़ गेटिंग ओवर पेंडेमिक स्टेज फ्राइट. तो वही है कि जिस डर पे हम थे पैंडेमिक के दौर में, अब ज़रूरत है उससे उभरने की, उससे बाहर आने की, और इन सब चीज़ों से बाहर आकर के हमें अब कम्युनिटी ट्रांसमिशन जो है डज़ नॉट लोअर अ कंट्रीज़ प्रेस्टीज. कम्युनिटी ट्रांसमिशन किसी भी लेवल पे किसी भी कंट्री की प्रेस्टीज को कम नहीं करता है. फाइनली इस चीज़ को एडमिट किया है हमने, और इट एड्स द इंटीग्रिटी ऑफ द हेल्थ सिस्टम. वर्क क्या करता है? किसी भी उस कंट्री का हेल्थ सिस्टम, किसी भी कंट्री का हेल्थ सिस्टम जिस तरीके से वर्क करेगा ये डिपेंड करता है कि उस कंट्री की ग्रोथ किस लेवल पे जा रही है. ठीक है, तो यही चीज़ जो है अभी कोरोना वायरस के दौर में हमने सीखी है, और बहुत अच्छे आर्टिकल्स हैं दोनों. मुझे लगता है आपको दोनों पढ़ने चाहिए, दोनों से आपको स्ट्रेटजीज़ मिलेगी कि किस तरीके से इनको रीड करना है, कैसे आंसर राइटिंग की जा सकती है, कैसे फैक्ट्स इम्पोज किए जा सकते हैं. ठीक है, तो आज हमने इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस किए. उम्मीद करती हूँ आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं आज के आर्टिकल में. मैंने कोशिश की है कि मैं जितने भी आर्टिकल लूँ उसे ब्रीफली एक्सप्लेन करूँ, और इस तरीके से करूँ कि कम टाइम में हम बहुत कुछ सीखने की कोशिश कर सकें, है ना. सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी. बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे. और अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर या सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिससे कि डेली बेसिस पर आपको ये हमारा न्यूज़ एडिटोरियल या न्यूज़ एनालिसिस देखने को मिले. ठीक है, बाय बाय, टेक केयर.